हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, एफएमसीजी का एक बहुत बड़ा प्लेयर है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के टारगेट प्राइस हैं जो शेयर के, वो आपके बढ़ते जा रहे हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि क्या ये जो इसके टारगेट बढ़ते जा रहे हैं, इतनी हाई डिलीवरी देखने को मिल रही है, क्या यहाँ पर पैसा कमाने का मौका हो सकता है? चलिए देखते हैं एक नज़र टेक्निकली फंडामेंटली शेयर को। बहुत ज़बरदस्त शेयर है ये, देखिए। आप सीधे लेके चलता हूँ आपको मैं इसका वेडनेसडे के कारोबार के ऊपर। देखिए 3060 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 106.75, 106 पॉइंट का उछाल, जो कि 3.5% से कहीं ऊपर है। और अगर आप देखें, जब ये ओपन हुआ था तो 2971 पे ओपन हुआ था, और इतना बड़ा इसने जंप लिया था, और वो भी 3074 का जंप। बहुत बड़ा ये जंप है। और आपको यकीन नहीं होगा, जो सबसे बेहतरीन बात इस शेयर में लगी है कि 10 लाख शेयर ट्रेड हुए, यानी कि 10,37,068 ये शेयर ट्रेड हुए, जिसमें कि ऑलमोस्ट 5 लाख की डिलीवरी थी। 45 से 46% की ये डिलीवरी, बहुत ही बढ़िया। अब देखते हैं हम इस शेयर के टेक्निकल्स के ऊपर। जबरदस्त शेयर है, एफएमसीजी का बड़ा शेयर है। आप यकीन मानिए, इस शेयर ने जब 20 सितंबर को गुड न्यूज आई थी कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की, इसने इतना जबरदस्त उछाल देखा था कि शेयर 2600 के प्राइस से चढ़ता हुआ 3600 के लेवल पर गया। लेकिन यहाँ पे बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। इसने एक अपना चैनल, जो प्राइस चैनल था, उसको पार करके ये जरूर गया था, लेकिन ये जो यहाँ पे गिरावट आई थी, सपोर्ट के लेवल जो है यहीं इसी के आसपास दिख रहे थे, ऑलमोस्ट 2800 के आसपास दिख रहे थे, और शेयर वहीं तक आया, और वहाँ से पिछले 2 दिनों में इसने ताबड़तोड़ वॉल्यूम देखने को मिले हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है। अब बात आती है टारगेट्स की। अगर मैं स्मॉल शॉर्ट टर्म में इसकी टारगेट की बात करूँ, तो मुझे जो टारगेट दिख रहा है, पहला टारगेट यहाँ पे सीधे जैसे अभी 3058 के लेवल पे है, तो इमीडिएटली जिसको ये अचीव करने की कोशिश करेगा वो है 3110 का लेवल, मतलब करंट प्राइस से ऑलमोस्ट 50 रुपये ऊपर का ये लेवल बहुत जल्दी अटेन करने की कोशिश करेगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है ये वाला रेजिस्टेंस जोन, जो कि दिख रहा है ऑलमोस्ट 3170 रुपीज़ का, 3170 का ये दूसरा टारगेट है। जो छोटे छोटे टारगेट यहाँ पे मैं अचीव करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तीसरा टारगेट जो हम यहाँ पे अगर लगाएं, इन सब का हिसाब लगा के ऑलमोस्ट 3250 के आसपास है। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ऐड करूँ तो 3250 से लेके 3300 की रेंज में ये टारगेट है। तो तीन टारगेट्स क्लोजली आप मॉनिटर कर सकते हो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ में, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये अपने इस पीक को टच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये फेवरेट स्टॉक है किसका, कॉर्पोरेट टैक्स की कटौती का जो हिसाब किताब मिलेगा ना, देखिए 35% तक टैक्स क्या करता दिया करता था, तो इसको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसीलिए यहाँ पे बड़ी फंडिंग आ रही है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। आप देख लीजिए 73,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ वो ब्लू चिप शेयर है, जिसने पिछले कुछ महीनों के अंदर देखिए लो भी बनाया 2300 का, और अभी 3500 का हाई भी बनाया है हर तरफ से। अब इस स्टॉक के अगर आप फंडामेंटल की बात करें, तो डेट फ्री शेयर है, सेल्स ग्रोथ बढ़िया है, प्रॉफिट ग्रोथ 11 से 12% की है, ऑसम एफएमसीजी शेयर मैं कहूँगा इसको। चलिए फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। ये अपडेट थी आपके लिए टेक्निकल और हाई डिलीवरी जो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में दिख रही है उसके बारे में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। इस स्टॉक के बारे में आपकी कोई राय हो तो, मुझे तो ये काफ़ी बुलिश दिख रहा है यहाँ इस टाइम पे, और लग रहा है कि स्टॉक ये अपने टारगेट्स को बहुत जल्दी हिट कर लेगा। और बात आती है स्टॉप लॉसेस की, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर आप देखें, तो ये जो कैंडल है लाल कैंडल के बॉटम वाला पॉइंट 2830 के आसपास का, ये स्टॉप लॉस आपका रहना चाहिए यहाँ पे। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।